महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जिन बच्चों ने कोविड अवधि के दौरान अपने माता पिता को दोनों को खो दिया है, उन्हें रुपए की सावधि जमा रखनी चाहिए। बाल देखभाल योजना में खोए बच्चों को शामिल कर 2500 रुपए प्रति माह स्वीकृत किया जाए। आज सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, उद्धव जी ठाकरे जी ने हमारी महिला व बाल कल्याण विभाग की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुए। उसमें खास तौर के ऊपर जो बच्चे अपने फैमिलीज खो चुके हैं, अपने दोनों पेरेंट्स माँ और बाप खो चुके हैं, उनके लिए हम लोग 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल सकते हैं क्या डिपॉजिट करके, इसकी पॉसिबिलिटीज देखी गई। और जो जिन बच्चों के एक ही पेरेंट खोया है और दूसरा पेरेंट फाइनेंशियली जो कमाता नहीं है, उनके भी लिए भी हम लोग बाल संगोपन योजना में उनको इंक्लूड करके बाल संगोपन योजना का थोड़ा सा बढ़ा के कीमत, जैसे आज 1125 रुपीस देते हैं तो उसे 2500 हम लोग दे पाएंगे क्या, इसके भी डिस्कशंस हुए। महिला और बाल कल्याण विभाग का रीस्ट्रक्चरिंग जो करवाना है उसके लिए भी काफी एलोंगेटेड डिस्कशंस हुए। जिन बच्चों के माँ बाप उन्होंने इस कोविड काल में खोए हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते आएगा क्या, इस बारे में भी डिस्कशंस हुए। तो ये सारे डिस्कशंस हुए हैं, ये सारे प्रपोजल्स मूव किए हैं, ये प्रपोजल्स आदरणीय सीएम और डीसीएम साहब के सामने और कैबिनेट के सामने आएंगे।